नमस्कार, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां, गूगल ने एक नया स्कॉलरशिप शुरू किया है जो महिलाओं के लिए हैं, यानी कि जो महिलाएं कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं उन महिलाओं के लिए ये स्कॉलरशिप है। और इसका नाम आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इस समय उसी पेज पे हूँ जहाँ ये स्कॉलरशिप के बारे में दिया हुआ है। ये है, जिनका नाम है जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये है स्कॉलरशिप के बारे में और थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो देखेंगे स्कॉलरशिप डिटेल्स दिया हुआ है। अब स्कॉलरशिप डिटेल्स में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं, जैसा कि स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा। 1000 USD यानी कि $1000 दिया जाएगा। जो सिलेक्टेड होंगे, जिनका चयन किया जाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए, उनको $1000 यानी कि $1000 उनको दिया जाएगा एज ए स्कॉलरशिप। और ये एशिया पैसिफिक के लिए है जैसा कि मैंने बताया, और महिलाओं के लिए है जो महिलाएं कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रही हैं, डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए है। अच्छा, इसके बारे में अब हाउ टू अप्लाई जैसे कि लिखा हुआ उसमें थोड़ा सा बता दें। एप्लीकेशन फॉर 2022 आर नाउ ओपन। द डेडलाइन टू अप्लाई विल बी एट 11:59 PM IST ऑन फ्राइडे December 10, 2021। यानी कि ये स्कॉलरशिप का अभी सबमिशन हो रहा है। स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो बताया गया 10 दिसंबर बताया गया, यानी कि 10 दिसंबर 2021 जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 10 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। तो अब थोड़ा और कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनली महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुष एलिजिबल नहीं है। और दूसरी बात है, ये महिलाओं के लिए है और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाह रही हैं, उन्हें $1000 दिया जाएगा एज ए स्कॉलरशिप। अगर $1000 को इंडियन करेंसी में अगर माने तो तकरीबन 75,000 रुपये होते हैं। ठीक है, हु कैन अप्लाई, यहाँ बोल दिया है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई एप्लीकेंट मस्ट। तो स्कॉलरशिप के बारे में मैंने जैसा कि बताया कि ये स्कॉलरशिप गूगल के द्वारा दिया जा रहा है और ये उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहती है, जिनका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही आपको क्लियर बता दिया। अब इस स्कॉलरशिप में क्या कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है। बड़ा सिंपल सा कंडीशन है, वो देख लीजिए। बोला गया, एप्लीकेंट्स मस्ट बी इनरोल्ड एज ए फुल टाइम स्टूडेंट इन ए बैचलर्स डिग्री फॉर द 2021-2022 एकेडमिक ईयर। यानी कि 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए एप्लीकेंट को बैचलर डिग्री कोर्स के लिए इनरोल होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में। बैचलर डिग्री कोर्स के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल, यानी इनरोलमेंट आपका होना चाहिए एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए। और इसके बाद बोला जाए, एंड बी इन द सेकेंड ईयर ऑफ द स्टडी एट द एक्रीडिएटेड यूनिवर्सिटी इन एशिया पैसिफिक कंट्री व्हेन कंप्लीटिंग द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी कि जब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में होना चाहिए। ये दो बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, अगर ये आप फुलफिल कर पा रही हैं और आप महिला हैं और आप कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट है और आप एशिया पैसिफिक में ही रहती हैं, एशिया पैसिफिक के किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, जिसमें $1000 दिया जाएगा जो इंडियन करेंसी में लगभग 75,000 रुपये होते हैं। ठीक है, तो और थोड़ा आगे चलिए, आगे कुछ बताते हैं आपको। अब देखिए, जैसा कि इस स्कॉलरशिप में बताया गया है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अप्लाई करते समय ये चीज़ें आपको लगेंगी। जैसा कि बोला जा रहा है, एप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट देयर रिज्यूम ऑब्लिक CV हाईलाइटेड टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एंड पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी इंगेजमेंट। यानी कि अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक CV देना होगा जिसमें आपको हाईलाइट करना होगा आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट और पार्टिसिपेशन जो है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट करनी होगी। इसके अलावा बोला जा रहा है, एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम देयर करेंट और
प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका वर्तमान जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या इसके पहले आपने जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है वहाँ से आपको जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट 2-400 वर्ड्स ईजी, यानी कि आपको 400 वर्ड का एक ईजी लिखना है, एक लेख लिखना है, वो भी आपको देना पड़ेगा। विच इज विच हैव टू बी रिटन इन इंग्लिश, यानी कि आपको एक 400 शब्दों का एक लेख लिखना होगा, यानी कि इजी लिखना होगा, जैसा बोला गया इजी, और इंग्लिश भाषा में लिखना होगा। तो ये चीज़ें अप्लाई करते के समय आपको लगेंगी। इसके अलावा जो है इसका अप्लाई करने का कंडीशन जो है मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी, और मैं फिर से बता रहा हूँ। सो अप्लाई करने का जो मेथड है कुछ नहीं है, मैं उनके पेज पे हूँ। देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन करने के लिए वो पेज पे आप पहुँच जाएंगे। क्रिएट एप्लीकेशन, अब यहाँ पर आपको, अब जैसे यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल्स देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वुड यू लाइक टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो यस या नो जो भी करना है आप करिए। इस तरह से करके आपको पहले इसको सेव करना है, उसके बाद जो है आगे फिर आगे फॉर्म और भी कुछ पेजेस खुल के आएंगे, उसको आपको फिल करना है। और ये फिलअप करने के लिए इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। इसका लिंक ये जो गूगल ने जो लॉन्च किया है, गूगल ने जो स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है, तो इसका जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।